अस्सलाम वालेकुम। कराची में अचानक फायरिंग, एक शख्स ने तड़प तड़प कर जान दे दी। सुपर हाईवे पर होटल के करीब डाकुओं की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर जावाहक हो गया। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं? खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं? तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि सुपर हाईवे पर गुलशन मेमार के करीब फायरिंग से जावाहक सब इंस्पेक्टर की शनाख्त आमिर अली के नाम से हुई, जिसकी उम्र 50 साल है। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग का वाकया डकैती मुजाहिमत पर पेश आया, जिसकी तफ्तीश जारी है। हुकाम ने कहा है कि मकतूल आमिर अपने अजीज की कब्र पर फातिहा खवानी के लिए वादी हुसैन कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान से वापिस पर होटल के करीब मुलजिमान ने उनसे लूट मार की। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान वारदात के बाद फरार होते हुए मकतूल का असला भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सीने पर एक गोली लगी, जो जानलेवा साबित हुई। कानूनी कार्रवाई के बाद मकतूल आमिर की मैयत उर्सा के हवाले कर दी गई है।